नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। शहर के वार्ड 25 से किशनकुंड व राजा जी का वास निवासी लोगों ने सोमवार को मुख्य रोड बस स्टैंड पर आकर जाम लगा दिया। महिलाएं रोडवेज बस के सामने आकर खड़ी हो गई। ये बोली कि अब यहां से हटेंगे नहीं, चाहे जान चली जाए। पिछले कई दिनों से पानी की समस्या है, आमजन को पीने को पानी नहीं मिल रहा। सब गरीब तबके के लोग हैं, पैसे से पानी मंगा नहीं सकते। सरकार व प्रशासन सुध नहीं ले रहा। रोड जाम करने से आमजन को भी परेशानी हुई, लोगों की आवाजाही बदलनी पड़ी। वहीं वार्ड के पार्षद लोचन यादव ने बताया कि 15 दिन से बोरवेल खराब है, जलदाय विभाग के अधिकारी सुध नहीं ले रहे। पहले 2-3 दिन के बोरवेल को ठीक करने का आश्वासन दिया गया, लोग परेशान होते रहे, पानी के लिए इधर उधर भटकते रहे, इसके बावजूद भी सुध नहीं ली गई। अब कई दिन गुजरने के बाद आमजन सड़कों पर आ गई है। सबका कहना है कि पानी की समस्या का समाधान नहीं होने तक धरना देकर रोड जाम किया जाएगा। हालांकि काफ़ी देर तक पुलिस प्रशासन समझाइश की गई, काफ़ी देर के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर आए व पुलिस प्रशासन ने समझाइश की, उसके बाद जाम खोला गया। वार्ड नंबर 25 की महिलाएं हैं, करोलीकुंड क्षेत्र राजा जी के पास क्षेत्र वार्ड नंबर 25 में आता है। वहाँ पर जो 3-फेस बोरिंग है उसकी मोटर पिछले 15-20 दिनों से अल्टरनेट डे पे खराब हो रही थी। तो जब उसका कारण पता गया तो उसके पता लगा उसके बॉक्स में ब्लॉक्स हैं, रिले, वे सारे सामान खराब पड़ा था। वो प्रेशर डाल डूल के कैसे भी करके वो सामान डलवाया। हर तीसरे दिन मोटर खराब हो रही थी। तो ये जो पानी की समस्या चल रही है पिछले 15 दिनों से चल रही है, और पब्लिक सारे यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं जो डेली अपने घर से कमाने के लिए निकलते हैं। अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार हो तो अपने पानी के टैंकर डाल के काम चला ले, इनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते तो पानी कहाँ से लाएंगे। तो कम से कम 15-20 दिनों समस्या है, और अब पानी की मोटर खराब हो गई। तो पानी की मोटर निकाले पिछले 6 दिनों के, आज 6ठा दिन है। खूब लगातार अधिकारियों से संपर्क में रहा, एक्सचेंज साहब से संपर्क में रहा, एएन साहब से, जेएन साहब से, सब लोग टाल मटोल करते रहे कि आप आज सुबह डलवा रहे हैं, कल सुबह डलवा रहे हैं। इस तरह इन लोगों ने 6 दिन खराब कर दिए। तो मजबूरी पर परसों से ये लोग कह रहे थे कि भाई पानी की समस्या सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हम लोग जाम लगाएंगे। तो मैंने इनको बड़ा मुश्किल समझाया, भाई ठीक है अभी डल जाएगी, लेकिन आज तो हज हो गई तो इन लोगों ने मजबूरन जाम लगाया। अभी जलदाय विभाग के एएन और जो जेएन साहब यहाँ पे आए, लेकिन उनका वही रवैया कि अभी 2-2.5 घंटे चाहिए हमको। मुझे ये समझ नहीं आता कि आज मंडे है, वीक स्टार्ट होता है, सब लोग इतना करंटली काम करते हैं ऑफिस में, और दिन जो पानी का जो ठेकेदार है, पानी का जो मोटर चेंज करता है, वो सुबह 9 बजे आके हाजिरी देता था, मेरे पहले भी करवाया, और आज इतनी विकट स्थिति है उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि 2-3 घंटे बाद भी मैं आऊँगा। अब पब्लिक कहाँ तक अपना धैर्य रखे, बताइए। मेरा नाम लोचन यादव, पार्षद वार्ड नंबर 25।